हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर। चैप्टर है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। देखिए काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग चैप्टर किस परस्पेक्टिव से, वो पहले मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले आप इस चीज को देखिए कि जैसे हम क्लास वाइज अगर देखें तो सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास, एट्थ क्लास, आपका एक सेक्शन है अपर प्राइमरी सेक्शन, उसमें हम पूरा जो सिविक्स पढ़ रहे हैं तो सिविक्स इंटर रिलेटेड है। कैसे? सिक्स क्लास में आपने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, म्यूनसिपैलिटी वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी थी, अलग अलग कहानियों के थ्रू आपने समझा था, ठीक है, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, ये सारी चीजें। अब सेवन्थ में हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो यूनिट है, यूनिट को ध्यान करो, यूनिट कौन सा है, स्टेट गवर्नमेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हमें क्या देखना था कि गवर्नमेंट क्या काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करती है। अब हम इस चैप्टर में स्टेट गवर्नमेंट को ही समझेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या काम करती है, कौन कौन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, वही सारी चीजें। आया समझ में? तो आपकी जो तीनों क्लासेस हैं सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, तो सिक्स्थ क्लास में आपने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, सेवन्थ में आप स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ोगे इस साल, और अगले साल नेशनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ोगे आप। नेशनल गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। वैसे हिस्ट्री में भी है, हिस्ट्री में आपने सिक्स्थ में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, सेवन्थ में मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, और एट्थ में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, तो ऐसा डिविजन होता है। तो अब हम हमारा जो सेवन्थ का अगर टॉपिक देखते हैं, क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिट भी स्टेट गवर्नमेंट है। तो इस चैप्टर में स्टेट गवर्नमेंट के काम करने के तरीके के ऊपर कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको समझने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन कौन होते हैं, यही सारी चीजें आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, पहली चीज हम ये पढ़ेंगे। दूसरा एमएलए के बारे में पढ़ेंगे, एमएलए कौन होते हैं, ठीक है, उनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, काम क्या होता है, क्या पावर होती है उनके पास में। स्टेट गवर्नमेंट में एमएलए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वही सारी चीजें, एमएलए से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके, सारे यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगली चीज क्या है, हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, एमएलए और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे के बीच का रिलेशन समझेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। फिर वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक अलग टॉपिक होगा, जो आपकी बुक में दिए हैं, सारे टॉपिक्स आपकी बुक के ही हैं, बाहर कहीं नहीं जाएंगे हम, ठीक है, तो वो सारा सब कुछ भी पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा एक ब्रॉड आउटलाइन होने वाला है, इस बारे में हम, इन सारी चीजों के बारे में हम हमारे चैप्टर पर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है हमारा, सिविक्स का चैप्टर 3 जो है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, ये सारे टॉपिक होने वाले हैं। अभी अगर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था, मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या चीजें होने वाली है। तो एक जो कहानी दी है आपकी बुक में, सभी लोग बुक खोलेंगे और बुक में से उस कहानी को देखेंगे, ठीक है। अभी हो सकता है आपको लेटर्स उतने विजिबल ना हो, लेकिन आपको कहानी में रिलेट करवा के समझाऊंगा कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से वो कहानी कितनी जरूरी है, और यही सारी चीजें, क्लियर है। तो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टोरी का टाइटल क्या है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए देखते हैं क्या है उस स्टोरी में। स्टोरी बेसिकली जो है, तो वो आपको एक सिनेरियो बता रही है, एक सिचुएशन बता रही है कि उस सिचुएशन में कैसी कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं। तो ये देखिए, अब देखो इंट्रोडक्शन है ये वीडियो, ठीक है, ये वीडियो जो है इंट्रोडक्शन वीडियो, तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि दो फ्रेंड्स हैं, तो वो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, न्यूज़पेपर में पढ़ती हैं और बोलते बताती हैं देखो कि वाटर शॉर्टेज है अपने स्टेट में, ठीक है, बहुत सारे पीपल जो हैं तो वो बीमार भी हो रहे हैं पानी की कमी के कारण। अब ये बताती कि हाँ, जो अनक्लीन वाटर पी रहे हैं लोग, तो उसके चलते क्या हो रहा है, अनक्लीन वाटर पीने पे मजबूर हुए, शौक से नहीं पी रहे, क्यों, क्योंकि बहुत सारी नदी, तालाब वगैरह सारी चीज़ें सूख गई हैं, और उसके चलते अब उन्हें अनक्लीन वाटर मतलब पीना पड़ रहा है, ड्रिंक करना पड़ रहा है, तो जिसके चलते क्या हो रहा है, जिसके चलते बीमार हो रहे हैं लोग, ये सारी चीज़ें हो रही है। इन दी वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस, और कहीं कहीं पे तो पानी की इतनी कमी कि बहुत बहुत दूर दूर तक जाके क्या करना पड़ रहा है, विलेजेस को पानी को कैरी करना पड़ रहा है। तो यह सारी चीजें हैं। फिर और क्या बताते उसी कहानी में, न्यूज़पेपर में आगे पढ़ते पढ़ते अलग अलग चीजें पढ़ते हैं। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम, ठीक है, रिसीव्ड वाटर सप्लाई वंस इन 3 डेज, तो बोल रहे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का मेन सिटी है, वहां पे 3 दिन में 1 दिन में पानी मिल रहा है, मतलब 3 दिनों में 1 दिन सप्लाई हो रही पानी की। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट, अब पानी की कमी के कारण जब लोग गंदा पानी पी रहे हैं या फिर अनक्लीन वाटर पी रहे हैं, तो वो बीमार हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ गए। लार्ज नंबर ऑफ हुम आर चिल्ड्रन
विथ एक्यूट डायरिया। तो डायरिया के कारण बच्चों जो है बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, खराब पानी पीने से डायरिया की बीमारी हो जाती है, ठीक है। फिर ये टीवी की न्यूज के बारे में बात करने लगी है कि डायरिया से कितने लोग, 10 लोगों की जानें चले गई हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो हु नोस, मतलब ये बोलती है कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, तो ये बोलती है कि क्या डायरिया जैसी बीमारी से लोग मर भी सकते हैं। तो दूसरी फ्रेंड क्या बोलती है, हु नोस, पता नहीं मरते नहीं मरते, जस्ट होप आई डोंट गेट इट, बस मुझे डायरिया ना हो, इस तरह से वो आपस में बात कर रही हैं अपनी, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स। अब क्या होता है कि जब वो निकलती हैं अपने घर से आफ्टरनून में, तो जब वो निकल रही होती है अपने घर से, तो बात करती हैं कि मम्मी ने मना बोला है कि आप कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीना है, बाहर ठंडा कुछ नहीं पीना है, क्यों, क्योंकि बीमारियाँ चल रही है ये सारी चीज़ें, और अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेना होगी, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो आपस में हंसते हुए बात करते हुए जा रहे हैं। अब उन्हें क्या होता है, अब उन्हें रास्ते में पुलिस रोक लेती है सडनली, जैसे ये जो सडनली है तो वहां पर उन्हें पुलिस रोक लेती है। देखा यार फोटोग्राफ, आप भी बुक में देखते चलिए। अब पुलिस क्यों रोकती है, क्योंकि वो साइकिल से जा रहे थे, उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था, उनका चालान कटेगा, नहीं इसलिए नहीं रोकती है पुलिस, ठीक है, पुलिस उन्हें रोकती है, पुलिस किसी और कारण से रोकती है। अब पुलिस रोक कर क्या बोलती है उनसे, देखिए, तो दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली, दे हैव गेराउट द MLA's रेसिडेंट, ठीक है। तो पुलिस बोलती है कि ये रोड जो है ब्लॉक कर चुके हैं, आगे गहराव है, ठीक है, गहराव मतलब क्या है, घेरा बना लेते हैं ना लोग धरने पे आ जाते हैं, मतलब किसी को कहीं बाहर जाने से रोकना है अगर, तो आप उसके घर के आजू बाजू जाके घेराव कर लो, तो आदमी कैसे निकलेगा। तो वो बोल रहे हैं कि इस रोड को ब्लॉक किया गया है रैली वाले लोगों ने, उन्होंने MLA हाउस जो है, MLA's का जो रेसिडेंट है, उसे क्या कर लिया, घेर के रखा है, घेराव कर लिया वहां पे। अब देखो क्या है, यहाँ पे एक कैरेक्टर MLA आ गया। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारा टॉपिक है ना, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, MLA बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में परेशानी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में परेशानी है, तो लोग किसके घर के सामने धरने लेके बैठ गए हैं, MLA के, ठीक है। तो बच्चियां वैसे ही पूछती है, रियली वाई हैज ही डन समथिंग, तो बच्चियां पूछती है कि क्या MLA ने कुछ गड़बड़ कर दी है, क्या इस कारण से घेर के रखा क्या लोगों ने। तो जो पुलिस कांस्टेबल है वो हंसते हुए बोलती है, नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए लोगों ने घेरा बना लिया है। कुछ नहीं किया मतलब कि जो परेशानी हो रही है पानी की, हमने अभी स्टोरी में आगे देखा था ना, तो उस कारण से लोगों ने उनके घर के आजू बाजू घेराव करके रखा है कि आप कुछ करो, पानी की जो समस्या है उसका निवारण निकालो। अब उन्हीं में से एक लीडर जो है, ठीक है, जिनके पास ये माइक है अंकल के पास में, ठीक है, ये गाना नहीं गा रहे हैं, ये माइक में क्या बोल रहे हैं, एंड वी डिमांड, मतलब बीच का स्टेटमेंट लिया उनकी स्पीच का, एंड वी डिमांड दैट दी अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग आवर पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, आवर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। देखो तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, ये जो इंसान है जिनके हाथ में माइक है, वो MLA के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि जो भी पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है, बिगड़ी है, जो पानी के कारण लोगों की तबीयत खराब हो रही है, बीमार हो रहे हैं, उसमें सुधार लाना किसको होगा, MLA को लाना होगा, MLA को काम करना चाहिए। तो ये दोनों लड़कियां आपस में बात करती हैं, व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज, ही मस्ट बी अ लीडर ऑफ सम और समथिंग। तो दूसरी लड़की बोलती है, आई शॉ हिम ऑन TV टू, ही इज अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन। तो एक और चीज यहां पे आ गई, अपोजिशन क्या होता है। तो आई होप आपको एक कहानी से इतना समझ में आया कि पानी की समस्या थी, बच्चियां जा रही थी, उन्हें समझ में आया रैली हो रही है, MLA से लोग जवाब मांग रहे हैं, और जवाब मांगने वाले लोग कौन है, ऑपोजिशन, ये बोल रही ना जैसे कि ही इज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं। तो MLA कौन होता है, ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है, कैसे काम करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, यही सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में इस कहानी के थ्रू एक इनडेप्थ पर्सपेक्टिव मिल गया है कि लोग किससे जवाब मांग रहे हैं, MLA से। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, हु इज एन MLA, ठीक है, एक MLA कौन होता है, अब MLA का काम क्या होता है, ये सारी चीजें कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो पूरी प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। क्लियर है। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।